इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बता रहा हूँ द्व आधारी संबंध। द्व माने दो, दो आधार एक जैसे, किस तरह से हम करते हैं इन संबंधों को, आइए जानते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेन्द्र। मित्रों, यहाँ पर मैंने द्व आधारी संबंध के मैं बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को लिख रखा है, समुच्चय ए में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है जो आर है। समुच्चय ए में कोई संबंध है आर जो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। मैंने पहले ही बताया था द्व आधारी यानी इनका आपस में कोई कनेक्शन है। द्व माने दो यानी दो वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए के मेंबर्स के रूप में इसको लिखा जाता है। समुच्चय के पेयरों के रूप में प्राप्त, समुच्चय के पेयरों के रूप में प्राप्त इस संबंध को द्व आधारी संबंध कहते हैं। वैसे आपको, मुझे लग रहा है कि शायद आप नहीं समझ पा रहे होगे अभी इस भाषा को, लेकिन आप इनके गुण धर्म को देखेंगे, सीखेंगे तो आप बिल्कुल एक्जैक्ट तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो सबसे पहला जो इनका गुण धर्म है वह है सम्मित संबंध, वह है सम्मित संबंध। तो आइए सम्मित संबंध के बारे में जानते हैं कि क्या है सम्मित संबंध। अंग्रेजी में इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी जानना ज्यादा आवश्यक है। सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो आप समझ लीजिए। यहां बोलते हैं जो संबंध एक्स और वाई में है, कोई भी संबंध है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो संबंध एक्स और वाई में है वही संबंध y का x में है। x में है अर्थात x और y के स्थान बदले जा सके, x और y के स्थान बदले जा सके तो सम्मित संबंध कहलाता है। ठीक है, आपको आपको मेरी बात समझ में आई। सम्मित सम माने बराबर, एक जैसे, सममित। आपको परिभाषा का जो पहला आर्टिकल है, पहला पॉइंट है, पहली परिभाषा है, वो कहता है सममित। सम माने बराबर, मित माने एक जैसी बातें। यानी यह लिखा है जो संबंध एक्स और वाई में है वही संबंध वाई और एक्स में, अर्थात एक्स और वाई के स्थान बदले जा सकें तो सममित संबंध कहलाता है। ठीक है, यानी हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पर जैसे x, y belongs to A, x, y belongs to A, और यदि x relation y implies that y relation implies that x, y belongs to R और y, x belongs to R। तो सम्मित संबंध होगा। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारी ये समस्या है। हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे, शायद
मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सेट थ्योरी का। अब इसके एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूँ। समानता का संबंध अर्थात सम्मित संबंध बोला जाता है, इसे हम समानता का संबंध या सम्मित संबंध बोलते हैं। तो पहला एग्जांपल के माध्यम से यहाँ मैं ले रहा हूँ। अब जैसे एग्जांपल फर्स्ट, समानता का संबंध का संबंध, ठीक है, समानता का संबंध कहो या सम्मित संबंध कहो एक ही बात है। क्योंकि यहां पर क्यों कहेंगे x बराबर y है और y बराबर x, यही है, क्योंकि यह ना लिखा है जो संबंध x और y में है वही संबंध y और x में। सेकंड लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, यदि रेखा, सपोज मानिए यदि रेखा x y पर लंब है, यदि रेखा x y पर लंब है यदि रेखा x y पर लंब है तो y x पर लंब होगा, फिक्स है ये बात। ये भी एक सिमिलर चीज है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैं पॉइंट है इसके एग्जांपल कह रहा हूं मैं। अब यहां पर देखो क्या ये सम्मित होगा, जैसे x less than y x बड़ा है y से, तो क्या y less than x होगा? थोड़ा गैस करो, यदि x y से बड़ा है तो y बड़ा होगा x से? नहीं होगा, क्योंकि जब पहले ही उन्होंने बोल दिया कि x बड़ा है y से यानी y छोटा है, तो y बराबर नहीं होगा, तो does not less than x, ठीक है, तो यह सम्मित संबंध नहीं है। तो यह सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, x प्लस टू वाई बराबर 10 सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि दो कॉमा चार बिलोंग्स टू आर। मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसे दो आपका x हो गया और चार आपका बाई हो गया, यहां रखते हैं टू और आवर 10, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम किंतु यहाँ पर 2.4, यहाँ पर हम बोलते हैं कि x का संबंध y से और y का संबंध x से, तो यहाँ पर हम करेंगे 4.2 does not belongs to R। देखिए कैसे, 4 मैं इसी में रखता हूँ, x बराबर 4 और y बराबर 2 इसमें रख देता हूँ, तो रखूँगा तो क्या होगा, 8 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 10, इसीलिए यह एक सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, यह हो गया हमारा सम्मित संबंध। नेक्स्ट संबंध के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट संबंध है हमारा, देखिए यहां पर मैंने स्वतुल्य संबंध सेकंड रिलेशन है इसका, दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा में स्वतुल्य संबंध स्वयं माने होता है अपना,
तुल्य माने अपने से ही तुलना करना, यानी स्वयं माने अपना और तुल्य माने तुलना कर लेना, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यहाँ लिखा है मैंने समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक मेंबर स्वयं से, ए का प्रत्येक मेंबर स्वयं से, ये लिखा हुआ है, ए का प्रत्येक मेंबर स्वयं से आर द्वारा रिलेटेड हो, संबंधित हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है, ठीक है। समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो, स्वयं माने अपना, ठीक है, स्वयं माने अपना यानी अपने से ही तुलना करना संबंध कहलाता है, यानी ए का प्रत्येक मेंबर स्वयं से ही, ये मैंने लिखा है, स्वयं से ही आर द्वारा संबंधित हो, स्वतुल्य संबंध, जैसे x रिलेशन है, यानी x का संबंध x से है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब आप, मैं आपको इसके एग्जांपल एक एक करके बता दे रहा हूँ, इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए ये आपका रिलेशन। और मैंने देखिए स्वतुल्य संबंध के कुछ रिलेशन लिखे हैं या लिखा है, निम्नलिखित संबंधों में कौन कौन से संबंध स्वतुल्य है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। अब आप ये देखिए समांतर जो संबंध होता है वो हमेशा समांतर होता है, हमेशा आपस में कंपेयरिंग जब हम करते हैं, जैसे दो रेखाएं हैं एक्स और वाई, तो वो समांतर हैं। जैसे संबंध रेखा, संबंध रेखा, संबंध रेखा एक्स कॉमा वाई के समांतर, x कॉमा y के समांतर है, x y के समांतर है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, क्योंकि रेखा x स्वयं के भी समांतर होगी, क्योंकि रेखा x स्वयं के भी समांतर होगी। जैसे मैंने एक रेखा में ये खींच रहा हूँ, ये हमारी x है, इसके समानांतर ये हो गई y, ठीक है। अब यहाँ संबंध रेखा x y के समानांतर स्वतुल्य है, क्योंकि रेखा x स्वयं के भी समानांतर होगी, स्वयं माने अपना, x अपने आप में समानांतर है और y अपने आप में समानांतर है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मैंने लिखा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। अब यहां आप देखिए और समझिए कि प्रश्न है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, तो त्रिभुजों में जो समरूप संबंध होता है, प्रत्येक त्रिभुज आपस अपने आप में अपने स्वयं में समरूप होता है, तो यह दिया हुआ संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। यहां लिख सकते हैं दिया हुआ संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होगा, कोई भी त्रिभुज स्वयं का समरूप होगा, कोई भी त्रिभुज स्वयं का समरूप होगा, अतः दिया संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, मैंने लिखा है यदि ए व्यक्तियों का समुच्चय है, यानी ए कोई बहुत सारे व्यक्ति हैं उसमें, तो आर का अर्थ का पति है क्या, ए व्यक्तियों का समुच्चय है तो रिलेशन उसका पति होगा। अब ये बताओ कोई महिला के बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं तो ये क्या स्वतुल्य संबंध है, कोई व्यक्ति आपस में अपने आप का पति हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा, यह सत्य नहीं है, क्योंकि पुरुष स्वयं का पति नहीं हो सकता, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि पति
क्योंकि कोई पुरुष स्वयं का पति नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिया हुआ संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अगला हम टॉपिक लेते हैं संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के बारे में जानेंगे, तो लिख जानेंगे। अगला तीसरा हमारा रिलेशन है संक्रमक संबंध क्या है। तीसरा हमारा गुणधर्म है संक्रमक संबंध। यहाँ है कि X और Y दो सेट है, मतलब यहाँ कहने का मेरा तात्पर्य है कि यहाँ तीन है सेट। पहले अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे स्वतुल्य और सममित में दो संबंधों की बात चल रही थी, लेकिन संक्रमक में तीन संबंधों की बात होती है X, Y, Z। तो यहाँ मैंने लिखा है यदि जो संबंध X और Y में है वही Y और Z में है तो वही संबंध X और Z में हो जाए तो संक्रमक संबंध कहलाता है। सपोज मानिए मैं तीन लेता हूँ बिंदु, ठीक है। X का Y के साथ है, ये X है ये Y है, X का Y के साथ है, Y का Z के साथ है, तो X और Z आपस में इस संबंध हो जाए, यानी इनका और इनका आपस में संबंध हो जाए तो संक्रमक संबंध कहलाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है X रिलेशन Y और Y रिलेशन Z implies that X रिलेशन Z X, Y, Z belongs to A, क्योंकि ये कैपिटल A के सभी मेंबर्स हैं X, Y, Z, ठीक है। अब इसके कुछ संबंध हैं जिनको हम समझेंगे, ठीक है। निम्नवत संक्रमक संबंध क्या है, यहाँ हम पहचानेंगे संक्रमक संबंधों को, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न को लिख रखा है कौन कौन से संबंध संक्रमक संबंध, ठीक है, आगे भी बताऊँगा। जैसे मैंने यहाँ तीन संबंध हैं एक्स वाई जेड, जैसे मैंने डेफिनेशन में समझाया था आपको, एक्स वाई से घृणा करता है, वाई जेड से घृणा करता है। अब एक्स वाई जेड व्यक्ति है जो इस पृथ्वी लोक में विचर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो ये जरूरी है क्या ये संक्रमक संबंध है, क्या X Z से घृणा करेगा, ऐसा तो कोई कन्फर्म है नहीं है। तो दिया हुआ यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि X Z से घृणा करे, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है बात कि X Z से घृणा करे। X या लिख देता हूं, यह संबंध संक्रमक नहीं है, यह संबंध संक्रमक नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि X Z से घृणा करे। जरूरी नहीं X Z से घृणा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं। के सामने मैं यहां पर दूसरा एक उदाहरण और रख रहा हूं। यहां देखिए कि ये संक्रमक संबंध है या नहीं है। तो मैं यहां एक प्रश्न आपके सामने लिखता हूं। यदि किसी परिवार में मैं लिख रहा हूँ, जरा आप सोचना कि यह संक्रमक है कि नहीं है। यदि किसी परिवार में समुच्चय में एक्स भाई है बाई का, ठीक है, तथा बाई भाई है जेड का, तब
एक्स भाई होगा, एक्स भाई होगा जेड का। संक्रमक संबंध है कि नहीं है? मैंने यहां लिखा है यदि किसी परिवार के समुच्चय में, के कर दे रहा हूं, यदि किसी परिवार के समुच्चय में एक्स भाई है बाई का, बाई भाई है जेड का, तो ऑब्वियसली एक्स भाई होगा जेड का। यह एक संक्रमक संबंध है, यह एक संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध, क्योंकि संक्रमक की जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ लिख रखी है, यह जो संबंध एक्स और बाई में, बाई जेड में, मतलब तीनों संबंध आपस में अटैचमेंट होने चाहिए, संक्रमक संबंध हमें ये कहता है। नेक्स्ट आपके सामने रख रहा हूँ, यदि चौथा प्रश्न रखता हूँ आपके सामने, देखिए यदि एक्स पैरेलल है बाई के और बाई पैरेलल है जेड, आप समझते हो x पैरेलल है बाई के तो बाई पैरेलल है z के, तो x पैरेलल होगा z के, अतः यह संक्रमक संबंध, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। अच्छा इसको देखते हैं, यदि ये साइन आप जानते हो काय का, एक्स परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, एक्स परपेंडिकुलर है बाई के और बाई परपेंडिकुलर है जेड के, एक्स परपेंडिकुलर है बाई के, बाई परपेंडिकुलर है जेड के। अब ये बताओ तो जेड की कंडीशन क्या होगी? यह जरूरी नहीं है कि एक्स परपेंडिकुलर हो जाए जेड के, अतः यह संबंध संक्रमक नहीं है, ठीक है, अतः यह संबंध संक्रमक नहीं है। अच्छा एक और आपके सामने रखता हूं, इसको आप देख लो, यदि x लेस देन है बाई के, यानी x छोटा है बाई से और बाई छोटा है z से, x छोटा है बाई से, बाई छोटा है z से, तो x छोटा होगा z से, x लेस देन z, अतः तो यहां हम लिख सकते हैं तब x लेस देन z, अतः यह कैसा है? संक्रमक संबंध है। देखिए मैंने यहां पर इतने आपके सामने रखे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इससे आपका क्लियर हो जाए कि तीनों का अटैचमेंट है, संक्रमक मीन्स तीनों का अटैचमेंट आपस में है तो वह संक्रमक है। इसी तरीके से यदि x ग्रेटर है बाई के और बाई ग्रेटर है जेड के, x बड़ा है बाई से, बाई बड़ा है जेड से, तो क्या होगा लास्ट में? x बड़ा होगा जेड से। जब तीनों आपस में संबंध मिल जाते हैं अतः यह संक्रमक संबंध है, ठीक है। अगला मैं देखता हूं टॉपिक, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रतिसम्मित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है प्रतिसम्मित संबंध की बाय बुक से, मानो समुच्चय ए पर कोई रिलेशन है आर, एक्स वाई जिसके मेंबर हैं दो, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। कहने का क्या मतलब है? शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको फिर से और समझाऊंगा। जैसे कोई दो मेंबर हैं एक्स और वाई, संबंध है प्रतिसम्मित कहलाता है जब x रिलेशन y, यानी x का संबंध y से तथा
y का संबंध x से implies that x बराबर y, ठीक है। यदि प्रतिसम्मित संबंध प्रतिसम्मित संबंध में x तथा y असमान है तब x रिलेशन y तथा y रिलेशन x जब असमान है तो x रिलेशन y और y रिलेशन x तो डज नॉट हो जाएगा। x का संबंध y से, ठीक है, x का संबंध y से और y का संबंध x से डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी इसका संबंध प्रतिसम्मित संबंध नहीं हो पाएगा। अब मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा और आप देख लीजिए कि कौन कौन से प्रतिसम्मित होते हैं। देखो, वास्तविक संख्या के समुच्चय I में संबंध बड़ा है या छोटा है, प्रतिसम्मित है, क्योंकि समझ लीजिए आप, क्योंकि x ग्रेटर y, x बड़ा है y से, कॉमा y लेस देन, y छोटा है x से, implies that, ये तभी हो सकता है जब x बराबर है y से। अब प्रतिसम्मित की डेफिनेशन देखते हैं। माना समुच a पर कोई संबंध आ रहा है, x कॉमा y समुच a के दो मेंबर हैं, तब संबंध कहलाता है प्रतिसम्मित। डेफिनेशन ये, जब x का संबंध y से और y का संबंध x से तो x बराबर y, जब दोनों असमान है, x बराबर x का संबंध हम y से कह रहे हैं, y का संबंध तो does not belongs to R हो जाएगा, यानी x is not equal y हो जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी जब ये चीज़ आएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट और देख लो, x less than y comma y, x less than y यहाँ पर greater का साइन लगना था, x ग्रेटर y ग्रेटर x बराबर x बराबर। अब x लेस देन y लेस देन x इंप्लाइज दैट x बराबर y, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम संबंध लेके चल रहे हैं, तुल्यता संबंध, अंतिम रिलेशन है तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था सम्मित, सतुल्य और संक्रमक। अगर ये तीनों संबंध हैं, अगर ये तीनों संबंध हैं तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। मैं यहां पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, वह संबंध जो स्वतुल्य है कॉमा सम्मित है तथा संक्रमक है हो तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, वह संबंध जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक हो तुल्यता संबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुच्च ए पर कोई संबंध आ रहा है तो तुल्यता संबंध होता है। दूसरे शब्दों में हम बताएंगे, यदि अर्थात समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तुल्यता संबंध
होता है। एक्स रिलेशन, एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए स्वतुल्य है। एक्स का संबंध एक्स में है, क्या है? स्वतुल्य है संबंध आर। स्वतुल्य, ठीक है, ये पहली कंडीशन। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? एक्स रिलेशन बाई इंप्लाइज दैट बाई रिलेशन एक्स, यानी एक्स का संबंध बाई से और बाई का संबंध एक्स से, फॉर एवरी एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू ए, अर्थात संबंध सम्मित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एक्स रिलेशन वाई तथा वाई रिलेशन जेड, एक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध जेड से, तो इंप्लाइज दैट एक्स रिलेशन जेड। जब तीनों संबंध एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है? संक्रमक होता है, एक्स वाई जेड संक्रमक होता है। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, अर्थात संबंध संक्रमक है, ठीक है। ये तीनों संबंध हो गए। इस तरह की जब कंडीशन होती है तब तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। अब फिर भी अगर कोई आपकी समस्या रह जाती है, फिर भी यदि आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को जरूर प्रस्तुत करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन, जय हिंद, जय भारत।